हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पी यू अकेडमी। ये बीएड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम, जिसमें हम कला वर्ग का पेपर देखेंगे। शीट नंबर डी है ये, आप लोग मैच कर लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पेपर को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थलाकृति मानचित्रों का उपयोग भूगोल के अलावा किसमें किया जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, नेक्स्ट है सेकेंड ऑप्शन, खगोल विज्ञान, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में। नेक्स्ट है, जब किसी मानचित्र को बड़ा या छोटा किया जाता है तब भी स्लैश सत्य कहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आरएफ। नेक्स्ट, लेवेंस्ट्रॉम शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है बी, रहने का स्थान। नेक्स्ट, स्लैश के परिणाम स्वरूप आकाश नीले रंग का प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेले प्रक्षेगण। नेक्स्ट, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? इसका ऑप्शन है ए, आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट, ये पवने विषुवत रेखीय शामपेटी के दोनों ओर से प्रवाहित होती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डोल्ड्रम। नेक्स्ट, फोएन चिनक खामसीन और सिरोको हैं, क्या हैं ये? ये हवाएं हैं। कैसी हवाएं हैं? गर्म स्थानीय हवाएं। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गुंजमिडेन रिस और वाम किसके विभिन्न चरण हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्पाइन हिमाच्छादन, मतलब ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसटी और जीएमटी से स्लैश घंटे है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5.5 आगे, क्योंकि ये जो टाइमिंग है ये 5.5 मतलब 5.5 घंटे आगे रहती है। नेक्स्ट, जब प्रकाश के स्रोत को ग्लोब से अंतः दूरी जब प्रकाश के स्रोत को ग्लोब से अंतः दूरी पर रखा हो तो प्राप्त प्रेक्षण को कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लंबकोणीय प्रेक्षण। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अर्थवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, तराइन के युद्ध में। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग वशिष्ठी के रचयिता थे कौन है? इसका ऑप्शन बी है, हरिसेन। हरिसेन नाम है, इसमें हरिसेन दिया है तो मिसप्रिंट है थोड़ा, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है, कौन से मिलते नहीं हैं? तो इसमें ये जगह के नाम दिया है और राज्य का नाम दिया है, इसमें ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ये सम्मिलित नहीं होता। कालीबंगा जो है वो हरियाणा में नहीं है, इसलिए ये मिसमैच है, तो इसे चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राणा सांगा। नेक्स्ट, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम वेटिंग ने। नेक्स्ट है, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जैम्बिक ग्राम में। नेक्स्ट, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ। मेरठ से शुरुआत हुई थी, उसके बाद ये सब लखनऊ झांसी कानपुर वगैरह में पहुंचा था। नेक्स्ट, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कंटक शोधन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, राज्य व्यक्ति से पहले है निम्न में से किसका कथन है? ये कथन किसने कहा है? ये अगस्त्य ने कहा है, क्योंकि राज्य के बारे में जो डेफिनेशंस दी हैं सबसे ज़्यादा अगस्त्य ने दी हैं। नेक्स्ट, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था मैकियावेली ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, उपयोगितावाद किस शताब्दी से
प्रतिपादित हुआ, तो ये हुआ था 19वीं शताब्दी से प्रतिपादित हुआ था। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? जे एस मिल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, कौन थे, मतलब तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया, मतलब किस देश से लिया गया ये पूछा है, तो ये लिया गया है रशिया से, रूस से, जो कि पहले USSR था। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत किस देश से लिया गया है, ये लिया गया है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट, चतुर्थ स्तंभ क्या है, चतुर्थ स्तंभ कहा गया है प्रेस को, प्रेस मतलब मीडिया, मीडिया को कहा गया है, बाकी तीन स्तंभ होते हैं राजनीति में। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षक कौन है, तो इसका गाइड आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, निम्न में से किसने समाजशास्त्र को इस प्रकार से परिभाषित किया है, देखिए समाजशास्त्र की डेफिनेशन दी है हमें, ये समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक जाल है, ये डेफिनेशन किसने दी है ये पूछा गया है, ये डेफिनेशन दी है मैकाइवर और पेज ने, लेकिन इसमें पेज का नाम नहीं दिया गया है, मैकाइवर का नाम दिया गया है इसे, तो ऑप्शन सी सही है। निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने समाजशास्त्र को सोशल फिजिक्स कहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अगस्त कॉम्टे, एक कॉम्ट लिखा है, क्योंकि जब इन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र का जन्म किया था, मतलब इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो जब जन्म हुआ था तो इसे सोशल फिजिक्स नाम दिया गया था समाजशास्त्र को। नेक्स्ट, समाज में मनुष्यों का व्यवहार मुख्यतः दो प्रकार से निर्धारित होता है, जैसे इसका गाइड आंसर है ऑप्शन ए, औपचारिक और अनौपचारिक मान्यताओं से, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट, 34, निम्न में से सांस्कृतिक विलंबना अवधारणा से कौन संबंधित है, तो इसका गाइड आंसर है WF Argwan, ये सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा जो दी है वो आगवन और निमकॉफ हैं, तो उनमें से आगवन ने दी है, WF Argwan। नेक्स्ट है, संस्कृति तथा सभ्यता के बीच निम्न में से किसने इन शब्दों की विभिन्नता को दर्शाया है, संस्कृति और सभ्यता के बीच अंतर दर्शाया है इस डेफिनेशन के द्वारा, कि हमारी संस्कृति वह है जो हम हैं और हमारी सभ्यता वह है जो हमने प्रयोग किया, तो इसका राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक ने समूहों का वर्गीकरण समुदाय और संगठनों में किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टॉनिच। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक संगठन नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जगराता में बैठे लोग, क्योंकि एक संगठन कैसे होता है जिसके लोग होते हैं, जिसमें बहुत से लोग होते हैं और वो लोग एक दूसरे से किसी ना किसी प्रकार जुड़ जाते हैं, ठीक है, वो समूह बनाते हैं एक, तो यहाँ पे क्या जगराता में बैठे लोग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एक समूह जो सीधे व्यक्तिगत तौर पर आधारित, जिसमें सदस्य एक दूसरे से सीधे तरीके से सरोकार रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक समूह, क्योंकि प्राथमिक समूह में सब लोग व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से यह किसने कहा, समाज एक सहयोगी संस्था है जो कि संघर्ष में है परंतु लंबे समय में केवल सहयोग ही जीवांत रहता है जो कि समाज में विकास लाता है, यह डेफिनेशन है HM Johnson की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संस्था नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, थिएटर, थिएटर संस्था नहीं है। नेक्स्ट, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी निम्न क्षेत्र में पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि, कृषि में क्या होता है हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी इसमें पाई जाती है, क्योंकि हर टाइम में हर तरह की फसल नहीं होती, फसलों के बीच बीच में जो गैप रहता है उस टाइम पे किसान बेरोजगार हो जाते हैं। नेक्स्ट, बजट संबंधित है, किस चीज़ से बजट संबंधित है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, सरकार के विदेश नीति से। नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक है, राइट ऑप्शन है ए, व्यापारिक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एक व्यापारिक बैंक है। नेक्स्ट, दोहरी गणना से बचने के लिए राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अंतिम वस्तुओं को। नेक्स्ट, मंदी के समय सरकार को किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संतुलित बजट बनाना चाहिए। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रावास शाख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाने वाली नीति कहलाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मौद्रिक नीति। नेक्स्ट,
समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न अवधारणा का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। बाकी जो ये हैं, व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत निवेश, एक फॉर्म का संतुलन, ये क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो में हम राष्ट्रीय आय का या विश्व स्तर पर होने वाली मुद्रा शाख, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, भारत में करेंसी नोट निगमन करने की नियामक संस्था कौन सी है, तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ से करेंसी बनाई जाती है, ठीक है, करेंसी जो रिलीज की जाती है वो रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षण हैं, इसके राइट आंसर का ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति निम्न आय। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ की गई थी, आयुष्मान भारत योजना 2018 में प्रारंभ की गई थी, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल गई होगी, इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।